हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी इन दिस वीडियो टॉपिक अबाउट द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली मींस नई दिल्ली का निर्माण. सो लेट्स स्टार्ट. इन 1803 द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठास. 1803 में अंग्रेजों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण हासिल कर लिया. सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वॉज कलकत्ता द मुगल एम्परर वॉज अलाउड टू कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट. क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी. द मॉडर्न सिटी अस वी नो इट टुडे डेवलप्ड आफ्टर ओनली आफ्टर 1911 व्हेन दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया. आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है, यह 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई. डिमोलाइजिंग अ पास्ट मीन्स एक अतीत का ध्वंस. बिफोर 1857 डेवलपमेंट इन दिल्ली वर समवॉट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन आवर कॉलोनियल सिटीज. 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे. इन मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता द लिविंग स्पेसेस ऑफ इंडियंस एंड द ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड. बम्बई, मद्रास, बम्बई या कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेजों की बस्तियां अलग अलग होती थीं. इंडियंस लाइव्ड इन द ब्लैक एरियाज वाइल द ब्रिटिश लाइव्ड इन वेल लेड आउट वाइट एरियाज. इलाकों में यहाँ यह बताया गया है कि भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग जो थे वो सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे. स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ इन दिल्ली स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश लाइव्ड अलोंग विथ द वेल्थियर इंडियंस इन द वेल्ड सिटी. ख़ासतौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर और हिंदुस्तानियों के साथ ही रहा करते थे. द ब्रिटिश लर्न टू इंजॉय उर्दू और पर्सियन कल्चर एंड पोएट्री एंड पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल्स. वे भी उर्दू या फारसी संस्कृति व शायरी का मजा लेते थे और स्थानीय त्यौहारों में हिस्सेदारी करते थे. द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द दिल्ली कॉलेज इन 1792 लेड टू अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लावरिंग इन द साइंसेस एज वेल एज द ह्यूमैनिटीज लार्जली इन द उर्दू लैंग्वेज. मैनी रिफर टू द पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1857 एज अ पीरियड ऑफ द दिल्ली रेनेसेंस. 1792 के बाद यह सब कुछ बदल गया. सॉरी, यह बताया गया है कि 1792 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी. यह इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया. यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था. बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली पुनर्जागरण का काल बताते हैं. ऑल दिस चेंज्ड आफ्टर 1857 ड्यूरिंग द रिवॉल्ट दैट ईयर. एज यू हैव सीन द रिबेल्स गैदर्ड इन द सिटी एंड प्रिसुएटेड बहादुर शाह टू बिकम द लीडर ऑफ द अपराइजिंग. दिल्ली रिमेंड अंडर द रिबेल कंट्रोल फॉर 4 मंथ्स.
1857 के बाद यह सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया और 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। When the British regained the city, they embarked on a campaign of revenge and plunder. Means जब अंग्रेजों ने शहर पर दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे बदले और लूटपाट की मुहिम पर निकल पड़े। द फेमस पोएट गालिब विटनेस्ड द इवेंट्स ऑफ द टाइम, और उस समय प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे और इसके विटनेस भी थे। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब्ड द रैनसेकिंग ऑफ दिल्ली इन 1857 व्हेन द एंग्री लॉयन मींस द ब्रिटिश इंटर्ड द टाउन, दे किल्ड द हेल्पलेस एंड बर्न्ड हाउसेस। उन्होंने घटनाओं को देख रहे प्रसिद्ध शायर गालिब उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे और 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया। जब गुस्साए शेर मीन्स अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा और घर जला डाले। हॉर्डस ऑफ मैन एंड वुमेन, हॉर्डस ऑफ मैन एंड वुमेन, कॉमनर्स एंड नोबल मैन पोर्ड आउट ऑफ दिल्ली फ्रॉम द 3 गेट्स एंड टुक शेल्टर इन स्मॉल कम्युनिटीज एंड टॉम आउटसाइड द सिटी टू प्रिवेंट अनदर रिबेलियन। द ब्रिटिश एक्साइल बहादुर शाह टू बर्मा, नाउ म्यांमार, डिसमेंटल्ड हिज कोर्ट, रेज्ड सेवरल ऑफ द प्लेसेस, क्लोज डाउन गार्डन्स एंड बिल्ट बैरक्स फॉर ट्रूप्स इन देयर प्लेस। न जाने कितने औरत मर्द, आम लोग और खास लोग 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदाय तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। ये जो लाइन था ये जो प्रसिद्ध शायर गालिब है उन्होंने 1857 में दिल्ली की तबाही को देखा और अपने शब्दों में व्यक्त किया। उन्होंने, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ कि उन्होंने लिखा है कि जब गुस्साए शेर मीन्स अंग्रेज शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा और उनके घर जला डाले और न जाने कितने औरत मर्द आम और खास लोग 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए और उन्होंने छोटे छोटे समुदाय तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया और अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जो कि अब आज के टाइम में म्यांमार में है, वहाँ भेज दिया। उनका दरबार बंद कर दिया और कई महल गिरा दिए। बागों को भी बंद कर दिया गया और उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैरकें बना दी गई। द ब्रिटिश वॉन्टेड दिल्ली टू फॉरगेट इट्स मुगल पास्ट। ब्रिटिश चाहते थे कि दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुला दिया जाए। द एरिया अराउंड द फोर्ट वॉज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन्स पेविलियंस एंड मॉस्क्यू थॉट टेम्पल्स वर लेफ्ट इंटैक्ट। द ब्रिटिश वॉन्टेड अ क्लियर ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीजन्स। किले के इर्द गिर्द का सारा इलाका साफ कर दिया गया। वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिद नष्ट कर दिए गए। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे। मॉस्क्यूज इन पार्टिकुलर वर आइदर डिस्ट्रॉयड और पुट टू अदर यूजेस। वे खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा।
फॉर इंस्टेंस द जिन्नत उल मस्जिद वॉज कन्वर्टेड इंटू अ बेकरी, नो वर्शिप वॉज अलाउड इन द जामा मस्जिद फॉर 5 years, 1/3 ऑफ द सिटी वॉज डिमोलाइज्ड एंड इट्स कैनल वर फिल्ड अप। और यहाँ आगे बताया गया है कि मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी के रूप में बदल दिया गया और जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को भी नमाज की इजाज़त नहीं मिली। शहर का एक तिहाई हिस्सा ढहा दिया गया और नहरों को पाट कर समतल कर दिया गया। इन द 1870s द वेस्टर्न वॉल्स ऑफ शाहजहानाबाद वर ब्रोकन टू एस्टेब्लिश द रेलवे एंड टू अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स। और रेलवे की स्थापना करने और शहर की चारदीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवार को तोड़ दिया गया। द ब्रिटिश नाउ बिगैन लिविंग इन द स्प्रवेलिंग सिविल लाइन्स एरिया दैट केम अप इन द नॉर्थ अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वर्ल्ड सिटी। और अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए विशाल जो सिविल लाइन्स इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे। द दिल्ली कॉलेज वॉज टर्न्ड इनटू अ स्कूल एंड शट डाउन इन 1877। और दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद कर दिया गया। प्लानिंग अ न्यू कैपिटल, आगे के वीडियो में हम एक नया टॉपिक जो इसी आज के टॉपिक का है कि एक नई राजधानी की योजना बनाई गई, प्लानिंग अ न्यू कैपिटल। द ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ द सिंबॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली। ब्रिटिश जो थे, अंग्रेज जो थे, उनको दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह पता था। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 मेनी स्पेक्टुलर्स इन इवेंट्स वर हेल्ड देयर। इन 1877 विक्ट्री लेटन ऑर्गेनाइज दरबार टू एक्नॉलेज क्वीन विक्टोरिया अस द इम्प्रेस ऑफ इंडिया। और जैसा कि अंग्रेज़ों को दिल्ली के जो सांकेतिक महत्व थे वो अच्छी तरह से पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। और 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मलिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया। रिमेंबर दैट कलकत्ता वॉज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया बट द ग्रैंड दरबार वॉज बींग हेल्ड इन दिल्ली। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कलकत्ता ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। वाई वॉज दिस सो, इसकी वजह क्या रही होगी। ड्यूरिंग द रिवॉल्ट द ब्रिटिश हैड रियलाइज दैट द मुगल एम्परर वॉज स्टिल इम्पॉर्टेंट टू द पीपल एंड दे सॉ हिम अज देयर लीडर। इस विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने यह समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। इट वॉज देयर फॉर इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट ब्रिटिश पावर विद पॉम्प एंड सो इन द सिटी द मुगल एम्परर्स हैड अर्लियर रूल्ड एंड द प्लेस विच हैड टर्न इंटू अ रिबेल स्ट्रॉन्ग होल्ड इन 1857। यहाँ यह बताया गया है कि लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाह और 1857 के बागियों के मुख्य बादशाहों, और मतलब यहाँ बताया जा रहा है कि ब्रिटिश सत्ता का जो मुगल बादशाह और 1857 के बागियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया।
इन 1911 व्हेन किंग जॉर्ज फाइव वाज क्राउंड इन इंग्लैंड दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेशन द डिसीजन टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली वाज अनाउंस्ड एट दिस दरबार। और 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो वे इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ कलकत्ता की बजाय। दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने के फैसले को भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। न्यू दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रशियन हिल साउथ ऑफ द एक्साइटिंग सिटी। और तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। टू आर्किटेक्ट्स एडवर्ड लेटियंस एंड हर्बर्ट बेकर वर कॉल्ड ऑन टू डिज़ाइन न्यू दिल्ली एंड इट्स बिल्डिंग्स। जैसा कि अभी बताया मैंने कि तत्कालीन शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। एडवर्ड लेटियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के दो वास्तुकारों को नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिज़ाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन न्यू दिल्ली कंसिस्टेड ऑफ अ 2 माइल एवेन्यू एवेन्यू किंग्सवे नाउ राजपथ दैट लेड टू द वायसराय पैलेस नाउ राष्ट्रपति भवन विथ द सेक्रेटरिएट बिल्डिंग्स ऑन आइदर साइड ऑफ द एवेन्यू। नई दिल्ली में स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल वर्तमान में जो कि राष्ट्रपति भवन है तक जाने वाला किंग्सले वर्तमान में जो राजपथ है और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। द फीचर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग्स वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडियन इंपीरियल हिस्ट्री बट द ओवरऑल लुक वॉज क्लासिकल ग्रीसी। फॉर इंस्टेंस द सेंट्रल डोम ऑफ द वायसराय पैलेस वॉज कॉपीड फ्रॉम द बुद्धिस्ट स्तूपा एट सांची एंड द रेड सैंडस्टोन एंड कर्व्ड स्क्रीन्स और जालीस वर बोर्ड फ्रॉम मुगल आर्किटेक्चर बट द न्यू बिल्डिंग्स हैड टू एसरेट British importance. That is why the architect made sure that the Viceroy's palace was higher than Shah Jahan's Jama Masjid. जो सरकारी इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत की शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी, फिर भी इसका मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था और लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी। लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी, इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहाँ की जामा मस्जिद से भी ऊँचा हो। How was this to be done? और यह जो काम है कैसे किया जा सकता था। New Delhi took nearly 20 years to build. The idea was to build a city that was a stark construct to Shahjahanabad. There were to be no crowded mohallas, no mazes of narrow bylines.
नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे मोहल्ले और सक्रिय गलियों के लिए कोई जगह नहीं थी। इन न्यू दिल्ली देयर वर टू बी ब्रॉड स्ट्रीट्स लाइंड विथ स्प्रोलिंग मैंशंस सेट इन द मिडिल ऑफ लार्ज कंपाउंड्स। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कें और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। द आर्किटेक्ट वॉन्टेड न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट अ सीन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन कॉन्ट्रास्ट टू द चॉइस ऑफ ओल्ड दिल्ली। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। द न्यू सिटी ऑल्सो हैड टू बी अ क्लीन एंड हेल्दी स्पेस। द ब्रिटिश शो ओवर क्राउडेड स्पेसेस अस अनहाइजीनिक एंड अनहेल्दी द सोर्स ऑफ डिसीज। दिस मीन्स दैट न्यू दिल्ली हैड टू हैव बेटर वाटर सप्लाई से सीवेज डिस्पोजल एंड ड्रेनेज फैसिलिटीज दैन द ओल्ड सिटी। इट हैड टू बी ग्रीन विथ ट्रीज एंड पार्क्स इंश्योरिंग फ्रेश एयर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ बताया गया है कि नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कें और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी, नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों का स्रोत दिखाई देते थे, इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जलपूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। ये आज की आज की इस वीडियो में हम जो आज का टॉपिक स्टडी कर रहे थे, द मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, ये कंप्लीट होता है। कल की वीडियो में हम एक नया टॉपिक से इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल व्हाट वाज थॉट इन टुडेज़ वीडियो। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, Life in the time of partitions, we will study in our next video.